दोस्तों, इंसान के पृथ्वी पर आने से लेकर अब तक इस बात की तो मिस्ट्री बनी हुई है कि इंसान कब आया, इसे किसने लाया, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। यह तो हम अभी भी सोचते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से ही उसने जिज्ञासु दिमाग में कुछ ना कुछ खोज निकाला है और आविष्कार करता ही जा रहा है। आविष्कार इस दुनिया का एक ऐसा पहलू बन चुका है जो अब जब तक इस धरती पर इंसान है तब तक तो नहीं खत्म होने वाला। हो रहे आविष्कार करने वाले आविष्कारी इन्वेंटर्स लोगों के लिए कभी भगवान तो कभी चमत्कारी इंसानी मान लिए जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ आविष्कार करते वक्त बहुत से आविष्कारी अपने आविष्कार से मारे भी जा चुके हैं और आज भी मर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी अपने आविष्कारों से मौत हो गई। सबसे पहले बात करते हैं वैलेरियन अबाकोस्काय। इन्वेंटर वैलेरियन अबाकोस्काय, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1895 में रीगा लाटविया में हुआ। दरअसल इन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किया था। इस ट्रेन का जो परीक्षण किया गया था कहा जाता है कि यह काफी सफल था, लेकिन उसी के दौरान यह ट्रेन मॉस्को के लिए रवाना हुई थी तो ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई और इस हादसे में 6 लोग मारे गए जिनमें से एक इन्वेंटर वैलेरियन अबाकोस भी थे। तो इसी तरह 24 जुलाई 1921 को इनकी मौत हो गई सिर्फ 25 साल की उम्र में। मैरी क्यूरी, इन्वेंटर मैरी क्यूरी, इनका जन्म 7 नवंबर 1867 में वारसॉ किंगडम ऑफ प्लैनेट में हुआ। ये दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक मानी जाती है। ये दुनिया की पहली नोबेल प्राइज विनर महिला है और पहली ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लिए नोबेल प्राइज मिला है और इसके साथ साथ यह यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की प्रोफेसर बनने वाली भी पहली महिला है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में लोगों को अवगत कराया। इन्होंने पोलियानियम और रेडियम जैसे तत्व की खोज की। इसमें उन्होंने निरंतर कार्य की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक रोग हो गया और इसके उनकी 4 जुलाई 1934 में 66 साल की उम्र में मौत हो गई। इनके बाद उनकी 2 बेटियों को भी अविश्वसनीय कार्य करने के लिए भी नोबेल प्राइज मिला है। फ्रांस रिचेल्ट, इन्वेंटर फ्रांस रिचेल्ट, इन्होंने एक पैराशूट का निर्माण किया था जो किसी पायलट को विमान दुर्घटना के वक्त काम आ सके। जब उनका ये पैराशूट बन गया तो उसका परीक्षण करने के लिए इन्होंने पेरिस के आईफिल टावर को चुना, लेकिन पेरिस की पुलिस ने इन्हें काफी बार नामंजूर दी। बाद में 1912 में किसी तरह उन्होंने आईफिल टावर से उनके पैराशूट का टेस्ट करने की अनुमति प्राप्त कर ली। वैसे तो इस पैराशूट को डमीज पर काफी टेस्ट कर लिया गया था और उनके नजदीकी लोग उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन ना सुनते हुए इन्होंने इसका परीक्षण किया तो उसको वो पैराशूट में कुछ खराबी की वजह से वो नहीं खुला और मौके पर ही शायद 4 फरवरी 1912 को उनकी मौत हो गई। ऑरेल फ्लाइसो, इन्वेंटर ऑरेल फ्लाइसो, इनका जन्म 19 नवंबर 1882 में पिंटिंटी ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ। ये पायलट इंजीनियर और आविष्कार है। इन्होंने हवाई जहाज का निर्माण भी किया है। मेटल फ्रेम प्लेन का आविष्कार किया था। इन्होंने एक तीर जैसे दिखने वाला प्लेन बनाया था जिसका नाम फ्लाइको 2 रखा था। जब पहली बार अपने विमान को लेकर 13 सितंबर 1993 में अपने प्लेन को लेकर कार्पेथियन पर्वतों को पार कर रहे थे तभी इनका विमान क्रैश यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी 13 सितंबर 1982 को मौत हो गई। हालांकि इसकी मौत के बारे में और भी मिस्ट्रियस अनटोल्ड स्टोरी बताई जाती है। हेनरी स्मोलिंस्की, इन्वेंटर हेनरी स्मोलिंस्की, इन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर एक एडवांस व्हीकल इंजीनियर की स्थापना की थी। उन्होंने उनके दोस्त हैरोल्ड के साथ मिलकर उनका पहला और आखिरी आविष्कार एक फ्लाइंग कार का था जिसका उन्होंने एवी मिजार नामकरण किया था। उनके कार की खास बात यह थी कि इस कार को रोड पर चलाया भी जा सकता था और विंग्स लगाकर उड़ाया भी जा सकता था। दरअसल इसके परीक्षण के वक्त टेक ऑफ के दौरान इसका दाहिना विंग्स अलग हो गया और ये कार क्रैश हो गई जिसमें पायलट सीट पर बैठे हेनरी और इनके पार्टनर और दोस्त हेरोल्ड मारे गए। इसके बाद
कोई भी ऐसी कार का आविष्कार करने की रुचि नहीं रख पाए। हालांकि अभी ऐसी कुछ कारों का निर्माण हेतु काम चल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके पास ऐसी कुछ रहस्यमय और अनटोल्ड स्टोरीज है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूँ आपको एक नई अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बाकी वीडियोज को भी देख सकते हो। धन्यवाद।